बच्चों, उम्मीद है आप घर पर होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी में हम आज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसमें सबसे पहले डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया जाता है। यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक सीजर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो डीएनए को एक तो जो एंड है सिरों से काटने का काम करते हैं उनको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो विद इन द डीएनए डीएनए को बीचों बीच से काटते हैं उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया है। दूसरे एंजाइम जो होते हैं वो उस कटे हुए टुकड़ों को, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ा बनाने के लिए, मैं के लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीमर, सो पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। जब आरएनए मॉलिक्यूल को बड़ा करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाएगा, और यदि डीएनए के छोटे टुकड़े को बड़ा टुकड़ा बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तीसरा जो एंजाइम होता है डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टूल है बायोटेक्नोलॉजी का, और यह जेनेटिक गम के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारे एलियन डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो अब आवश्यकता होती है एक वेक्टर की, जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने का काम करेगा, तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट टूल है। और जो जिस जीव में हम इस डीएनए को, एलियन डीएनए को ले जा रहे हैं, उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आपको ये टूल्स याद रखना पड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये है न्यूक्लियेजेस फैमिली से आता है, दो प्रकार के हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक रहेगा एंडोन्यूक्लियस। तो हमने कहा कि जो एक्सोन्यूक्लियस है ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है टर्मिनल से, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, एनीवेयर इन द लेंथ ऑफ द डीएनए, यानी डीएनए के किसी भी सिरे से या बीचों बीच से इसको काटने का काम एंडोन्यूक्लियस का है। तीसरा हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किस तरह से नाम दिया गया है। तो इसमें चार साइंटिस्ट हैं, लिन एंड आर्वर, और साथ में स्मिथ, ब्लॉक्स एंड कैली। तो ये साइंटिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, स्मिथ, लिन, आर्वर एंड कैली। इन्होंने क्या किया था, जो सबसे पहला एंजाइम जो खोजा गया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम है हिंड सेकेंड। हिंड में एच जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ किया गया है, IN, और ये जो सेकेंड है ये बताता है कि ये एंजाइम किस पोजीशन पे स्थित रहता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, फर्स्ट सेकंड रोमन अंक ये दिए जाते हैं इनको। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ एंजाइम जो रहते हैं डीएनए को कट करने का काम करते हैं, उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, और उनके नाम सबसे पहला है हिंड सेकंड एंजाइम। इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, आप देखेंगे हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए एक विशेष लोकेशन होती है, जिसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रहता है, ये जो डीएनए को कट करता है तो विशेष स्थान में आके स्टिकी एंड बनाता है। ये स्टिकी एंड एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक रहते हैं, जैसे एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। इस तरह से ये स्टिकी एंड बन जाते हैं, जो एक दूसरे के कैसे रहते हैं, काउंटर रहते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह से दोनों वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को ही हमने सेम एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को हमने कट किया तो ये स्टिकी एंड बन गए। ये स्टिकी एंड इस तरह के हैं कि एडेनिन के सामने यहाँ थायमिन है, थायमिन के सामने यहाँ एडेनिन है। बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनको ज्वाइंट कर दिया गया है, और ये जो डीएनए मिला है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमको प्राप्त हुआ है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर वेक्टर के अंदर, अब यहाँ वेक्टर ले रहा है हम ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। जैसे ही इकोलाई डिवाइड होगा, एक से दो बनेगा, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये भी एक से
दो, यानी द्विगुणित हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से कि जो फर्स्ट लेटर लिया गया है, जैसे हमने नाम दिया हिंड सेकंड, तो फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस से लिया गया है एच हीमोफिलस, नेक्स्ट टू लेटर उसकी स्पीसीज से लिए गए हैं इन्फ्लुएंजी, ठीक है। द नेक्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, आर है तो रफ स्ट्रेन, एस है तो एस स्ट्रेन। यहाँ पर आप देखेंगे कि ई कोर्बन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसरिसिया कोलाई रफ स्ट्रेन से लिया गया है, हिंड सेकंड जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लिया गया है, बैम एच वन वेसिलस अमाइलो कोरिफेसियन से लिया गया है, और सेल वन जो है वो स्टेप्टोमाइसिस एल्वस से लिया गया है। तो इस तरह से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। हम बात करेंगे क्लोनिक वेक्टर के रूप में किसका यूज़ किया जाएगा, तो जनरली प्लाज्मिड को क्लोनिक वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाला सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो बहुत सारे अपने अंदर रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के प्रति जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है वो प्लाज्मिड के कारण ही होता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एलियन डीएनए को लाने ले जाने के लिए वेक्टर के रूप में हम उसी प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार रहता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्लोनिक वेक्टर हैं, बैक्टीरियोफेज है, प्लाज्मिड है, वायरस है, टाई प्लाज्मिड है। तो वेक्टर्स में फीचर क्या क्या होना चाहिए वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जहाँ से ये द्विगुणित होता है, क्योंकि हमें जो एलियन डीएनए है वो इसी जगह पर लगाना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर पता होना चाहिए कि किसमें किस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया है और किस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। तीसरा क्लोनिंग साइट भी हमको देखना पड़ेगी कि किस प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जगह पर हम हमारा एलियन डीएनए लगा रहे हैं, और साथ ही ये देखना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर है इसका साइज इतना स्मॉल हो, छोटा सा हो, कि आराम से सेल से दूसरे सेल में पहुंचने की क्षमता रखता हो। जहाँ तक सिलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं, तो सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में कि रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ। क्लोनिंग साइट की बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंट साइट होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, उस साइट को हम क्लोनिंग साइट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर कौन कौन से यूज किए जाते हैं इनके बारे में और जान लेते हैं। प्लांट्स के लिए हम जनरली टाई प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं, टी इंड्यूस फॉर ट्यूमर एंड आई फॉर इंड्यूसिंग, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसको हम टाई प्लाज्मिड कहते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से प्राप्त होता है। प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है, ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। बहुत सारे प्लांट्स में आप देखेंगे एक बड़ी सी गांठ दिखाई देगी, नीम में, बरगद में, पीपल में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। हमने इसको अब एक वेक्टर के रूप में यूज़ किया है, ये प्लांट्स के अंदर अब प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी काम आता है। इसी तरह एनिमल की बात करें तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं, नॉर्मल एनिमल सेल को कैंसरस सेल में बदलने का काम करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इस नॉर्मल सेल में जो रेट्रोवायरस है अब ये क्या करता है, कैंसर को ठीक करने वाला जो जीन है उसको हमने इसमें लाइगेट कर दिया है, और ये अब डिज़ायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। इस तरह से आपने देखा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और रेट्रोवायरस का यूज़ हम एनिमल प्लांट में और एनिमल में एक वेक्टर के रूप में करते हैं। कल हम जो है वो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।